चंद्रपुर में स्थित जिला सामान्य रुग्णालय में हेराफेरी का मामला पार्षद पप्पू देशमुख ने उजागर किया, जिसके छानबीन सीबीआई द्वारा हो ऐसी मांग भी पप्पू देशमुख ने सीटीवी से बातचीत के दौरान कही। चंद्रपुर जिला सामान्य रुग्णालय में 2014-2015 से 2017-18 की अवधि में आहार, वाहन चालक, स्वच्छता, सुरक्षा, वस्त्र धुलाई आदि खर्चों को लेकर 4,42,30,817 रुपये की अनियमितता का मामला सहसंचालक आरोग्य सेवा इंद्रजीत गोरे ने लेखा परीक्षण के अहवाल में रखा है। साथ ही उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि ये लगभग 4.5 करोड़ का गैर व्यवहार या संबंधित कॉन्ट्रेक्टर से इसकी भरपाई की जाए, इस बात का भी इस अहवाल में उल्लेख किया गया है। इसकी जानकारी के संबंध में सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर ने जिला सामान्य रुग्णालय की ओर कदम रखा तथा जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर एनबी राठौर से इसकी जानकारी हासिल करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, ते एक उपसंचालक आरोग्य सेवा नागपूर यांच्या टीम मार्फत एक चौकशी करण्यात आली होती आणि त्या चौकशीनुसार एक दुसरी टीम जी वरिष्ठ टीम आहे ती पुण्यावरून अर्थ प्रशासन या टीमद्वारे या ठिकाणी गैरप्रकाराबद्दल चौकशी करण्यात आलेली आहे आणि त्याचा अहवाल अद्यापही अप्राप्त आहे, अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर निश्चित सांगता येईल। साथ ही मनपा नगरसेवक पप्पू देशमुख से जब इस विषय पर बातचीत की तो उन्होंने जवाब में यह कहा, आम्ही स्वतः शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये मागील 7-8 महिन्यापासून निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली असतानासुद्धा कमी दराच्या कंत्राटदाराला अजूनपर्यंत काम देण्यात आलेले नाही आहे याची तक्रार केली। मान्य पालकमंत्र्यांना प्रधान सचिव आरोग्य विभाग यांच्याकडून त्याची चौकशीसुद्धा लावली आहे, परंतु अजूनपर्यंत चौकशी झालेली नाही आहे। आरोग्य विभागात मग ते वैद्यकीय शिक्षण विभाग असो किंवा सार्वजनिक आरोग्य विभाग असो, या ठिकाणी कंत्राटदार अधिकाऱ्यांना हाताशी धरतात, जे काम केले नाही त्याचे बिलं काढतात, कामं कमी करतात आणि बिलं जास्तीचे काढतात, कधी कधी निविदाच काढत नाही, वर्षानुवर्ष मुदतवाढ देऊन ती निविदा ते काम देण्यात येते आणि याच्या माध्यमातून लाखो करोडो रुपयाचा, मी तर म्हणतो अरबो रुपयाचा भ्रष्टाचार महाराष्ट्र राज्याच्या पातळीवर होऊन राहिलेला आहे। चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये हा भ्रष्टाचार उघडकीस आला, याच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, नवे CID मार्फत चौकशी झाली पाहिजे आणि गुन्हे दाखल करून ते संबंधित जे दोषी अधिकारी आहे आणि जे कंत्राटदार आहेत त्यांना कोठडीत टाकलं पाहिजे, म्हणजेच हा धडा घेणार आणि महाराष्ट्रातल्या जनतेचा जो करातून जाणारा पैसा आहे तो पैसा वाचणार। और इस खबर के अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि इस मामले की गंभीरतापूर्वक जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिला सामान्य रुग्णालय ये आम जनता का रुग्णालय है, जो बड़ी उम्मीद से यहां अपना इलाज के लिए आते हैं। वे सरकारी दवाखाने के अलावा निजी अस्पतालों में नहीं जा सकते। सीटीवी न्यूज के लिए वैभव रुयारकर के साथ शैलेश गणवीर की रिपोर्ट।